नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति जागरूक रहें और आंखें मूंद कर उन पर विश्वास न करें। कई खबरें तो ऐसी होती है जो किसी सार्वजनिक हस्ती के इमेज तक खराब कर देती है। कुछ तस्वीरें और वीडियो भी होते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। खबरों की इस बाढ़ में जरूरी है कि हम जिन फोटो या वीडियो पर भी संदेह करें उसे फैक्ट चेक कर लें। आज कुछ ऐसी ही खबरों की हम पड़ताल करेंगे और उनके पीछे का सच आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लगी आग का ये वीडियो है। पड़ताल में आगे आपको पूरा सच दिखाएंगे। उसके बाद हम दूसरी खबर में बात करेंगे, उस वीडियो की तहकीकात करेंगे जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह भारत का एकमात्र और पहला ग्रामीण पुस्तकालय है। पड़ताल में आगे आपको पूरा सच दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक। सोशल मीडिया पर एक फैक्ट्री में हुए धमाके का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को हिमाचल प्रदेश का बताकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई भी नहीं आ रहा बाहर मिल रहा, और कोई से लेडीज खड़ी है ऊपर कोठे पर। हिमाचल के बद्दी में इत्र बनाने वाली फैक्ट्री एनआर अरोमा में 2 फरवरी को भीषण आग लग गई थी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर विस्फोट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वीडियो को शेयर करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश का बताया। वीडियो में देखा जा रहा है कि जबरदस्त धमाका होता है और आसपास की चीजें इस शक्तिशाली धमाके से हिलती डुलती नजर आती हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 2 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में इत्र बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी और इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर विस्फोट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो गया था कि इस वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है। वाकई वायरल वीडियो हिमाचल प्रदेश के बद्दी का ही है, क्योंकि अगर आग लगने के दिन कई आधिकारिक मीडिया आउटलेट्स पर तस्वीरें और वीडियो देखने को मिली थी, लेकिन वो वायरल वीडियो जैसा नहीं था। ऐसे में सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। और ऐसे में इस वक्त आप 2 तस्वीर देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक वायरल वीडियो है और एक बद्दी हिमाचल प्रदेश का ये वीडियो है। जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त की तस्वीर भी आपको हम दिखा पा रहे हैं। इन वीडियो में एक तो वायरल वीडियो है और दूसरा हिमाचल प्रदेश के बद्दी का है। 2 फरवरी को आग लगने का ये वीडियो है। आप दोनों को गौर से देखेंगे तो फर्क साफ साफ नजर आएगा, मतलब वायरल वीडियो किसी और जगह का हो सकता है। ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो क्या सवाल निकलकर सामने आए। पहला सवाल, इस वीडियो के सामने आने के बाद कि आखिर वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी क्या है, यह पहला सवाल इस वीडियो को लेकर किए गए दावे का। और दूसरा सवाल इस वीडियो के सामने आने के बाद ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को हिमाचल प्रदेश के बद्दी का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। यह एक बड़ा और अहम सवाल था। हमने इन सवालों की हकीकत जानने की कोशिश की है, क्या सच्चाई सामने आई वो भी आप देखिए। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने अपनी तहकीकात शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन को खंगाला। इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ये बताया है कि ये वीडियो बद्दी में एनआर अरोमा के संयंत्र में लगी भीषण आग का नहीं है। इस क्लू के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। वायरल वीडियो के स्क्रीन ग्रैब्स की रिवर्स इमेज सर्च में हमें 19 नवंबर 2015 को यूट्यूब पर अपलोड की गई उसी क्लिप का लंबा संस्करण मिला। वीडियो का टाइटल था चीनी रासायनिक संयंत्र विस्फोट, मतलब वायरल वीडियो 8 साल से भी पहले का है। इसके बाद हमने इसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। सर्च के दौरान नवंबर 2015 में एक वेबसाइट पर पोस्ट की गई वायरल वीडियो जैसा ही वीडियो मिला। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी कि 17 नवंबर 2015 को चीन के झिंजियांग प्रांत में हुए एक रासायनिक संयंत्र विस्फोट का वीडियो। बद्दी आग की घटना को कई मीडिया चैनलों ने कवर किया है, जिसमें विभिन्न कैमरा कोड़ों से कैप्चर किए गए आग के कई वीडियो मौजूद है। हमने वायरल वीडियो की तुलना इस घटना के एक वीडियो से की और उनमें कोई समानता नहीं पाई गई। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो पुराना है।
ये 2015 से इंटरनेट पर है और इसका हाल ही में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्री में लगी आग से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। केरल के पेरुमकुलम गांव के एक लाइब्रेरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी के वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि यह भारत का एकमात्र और पहला ग्रामीण पुस्तकालय है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये भारत का एकमात्र और पहला ग्रामीण पुस्तकालय है। लगभग एक मिनट के इस वीडियो में एक महिला लोगों को केरल के पेरुकुलम गांव में चल रही लाइब्रेरी से परिचित कराती है। Have you heard of India's hidden book village? Yes, it's right here in Kerala. This is the book village of India. सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल हो रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ये दावा किया है कि भारत का एकमात्र और पहला ग्रामीण पुस्तकालय है। दरअसल वायरल वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि यह भारत का एकमात्र और पहला ग्रामीण पुस्तकालय है और ये पुस्तकालय केरल के पेरुमकुलम गांव में है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी वायरल वीडियो के जरिए यही दावा किया है। वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है, यह जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर मीडिया आउटलेट्स पर इस तरह की खबरें सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई भी खबर देखने को नहीं मिली। और हमने जब इसके अलावा वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन को देखा तो वहां कई यूजर्स ने यह कहा है कि यह भारत का पहला ग्रामीण पुस्तकालय नहीं है। ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो क्या सवाल निकलकर सामने आए, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पहला सवाल यह कि अगर दावा सच है तो दावे का प्रमाणिक आधार क्या है, यह पहला सवाल इस वीडियो के सामने आने के बाद। और ग्रामीण पुस्तकालय के दावे को लेकर दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए यूजर्स को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, यह भी एक बड़ा और अहम सवाल था। हमने इन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश की है, क्या सच्चाई सामने आई वो भी आप देखिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान के सामने आया कि शशि थरूर के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने कमेंट करके उन्हें ये अवगत कराया है कि ये जानकारी गलत है, ये भारत का पहला ग्रामीण पुस्तकालय नहीं है। इससे मदद लेते हुए हमने अपनी सर्च को आगे बढ़ाया। कीवर्ड सर्च करके हमने एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 2017 का वीडियो देखा जिसमें भारत के पहले लाइब्रेरी विलेज के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें महाराष्ट्र जिले के भिलार गांव की पुस्तकांच गांव नाम की लाइब्रेरी का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का पहला ग्रामीण पुस्तकालय है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 4 मई 2017 को किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राज्य मराठी परिषद महाराष्ट्र सरकार और भीलार गांव के संयुक्त पहल से हुई है। पुस्तकांच गांव की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये महाबलेश्वर रोड पर पचगनी से लगभग 5 किलोमीटर भिलार के गांव में पुस्तक प्रेमियों के लिए एक पहल की गई है, जहां 12,000 से लेकर 15,000 किताबें गांव में अलग अलग 22 जगहों पर उनके साहित्य के हिसाब से व्यवस्थित है। जहां तक बात रही पेरुकुलम गांव के पुस्तकालय की, तो इसके बारे में हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर जुलाई 2021 की एक रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक ये भारत का दूसरा ग्रामीण पुस्तकालय है जिसे महात्मा गांधी की याद में शुरू किया गया था। ये केरल की पहली विलेज लाइब्रेरी है और इसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जुलाई 2021 में किया था। कुल मिलाकर साफ हो गया कि शशि थरूर का भारत के पहले ग्रामीण पुस्तकालय को लेकर किया गया दावा भ्रामक है। पहला ग्रामीण पुस्तकालय लगभग 6 साल पहले महाराष्ट्र में खुला था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।